फ्रेंड्स, मैं आर्यन राज सिंह, मैंने नीट 2017 में AIR 9 एंड AIIMS 2017 में AIIR 11 सिक्योर किया। मैंने आकाश से क्लासरूम प्रोग्राम किया था, मैंने आयरलैंड की DLP चूज़ की थी। मैं एम फॉर एम्स का भी पार्ट रहा हूँ एंड मैं आज इस टॉपिक पे शेयर करने वाला हूँ आपसे अपनी ओपिनियंस कि लास्ट 3 मंथ्स में आप कैसे नीट को क्रैक कर सकते हैं, जिनके स्कोर कम है वो कैसे नीट को लास्ट 3 मंथ में जो होप खो चुके हैं वो अब नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, लास्ट 3 मंथ में मैंने क्या फील किया था कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट, होप और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है लास्ट 3 मंथ में, ताकि आप उस प्रेशर को सर्वाइव कर सके। अब देखिए, आप जो अभी सोच रहे हैं कि मैं लास्ट 3 मंथ में ये नीट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता या फिर वो होप खो चुके हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि आप मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करें एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहली बात, आप आज से ही इस वीडियो के बाद से ठान लीजिए कि आप अब एक फ्रेश स्टार्ट लेने वाले हैं। डीप ब्रीथ कीजिए, फ्रेश स्टार्ट लीजिए और भूल जाइए कि पहले आपने जो भी टाइम वेस्ट किया या फिर जो भी आपका टाइम लॉस हुआ किसी भी रीज़न के, किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, वो हम सबको भूल जाइए, एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए। अब पहली बात, आपको ये आज से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्टडी को डिवोट करने वाले हो और सेल्फ स्टडी का टाइम अपना बढ़ाने वाले, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स हैं और आपको इसमें नीट को क्रैक करना है। तो ठीक, तो आप पहले स्टडी आवर्स को मैं कहूँगा 10 to 12 hours तक इंक्रीज़ करें, 10 to 12 hours तक स्टडी आवर्स आपका मेंटेन करें। उसके बाद भी आप 6 hours ऑफ साउंड स्लीप के बाद भी आपको फन टाइम आपको ज़रूर मिलेगा, पर 10 to 12 hours रेगुलरली आपको स्टडी करना पड़ेगा इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो आपके स्कोर्स बेटर ही होंगे। अब आपको करना क्या, आपको 2 चीज़ें करनी है, आपको टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं इस ड्यूरेशन 3 मंथ के ड्यूरेशन में और साथ ही साथ आपको स्टडी भी करनी है। तो टेस्ट में आपको मॉक टेस्ट हो गए एंड प्रीवियस ईयर पेपर दोनों सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास कोचिंग के मटेरियल से रिलेटेड आपके कुछ टेस्ट पेपर्स हैं तो उनको भी आपको रिविजिट कर लेना है इस ड्यूरेशन में, क्योंकि ये सब लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। आपको आइडिया लग जाएगा, आप अपने प्रोग्रेस को गॉज भी कर लोगे, अपने वीक पॉइंट भी गेस कर लोगे कि कौन कौन से उस पर आप वर्क करके और अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आप स्टडी पे आ जाओ, आपके पास 3 टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स में नीट में जो क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब जो आपको लगते होंगे कि ये टफ है, पर वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो आपको बेसिकली क्या करना है, पूरे फिजिक्स कोर्स को आप मेजर और माइनर टॉपिक में डिवाइड कर लीजिए। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, अगर आप स्टडी आवर्स काफ़ी इंक्रीज कर दे तो आप उन कंसेप्ट को बिल्ड करने में वो टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो आप मेजर टॉपिक्स में आपको करना क्या है, फिजिक्स के आपको कंसेप्ट डेवलप करने हैं, साथ ही साथ आपको उनके फॉर्मूलाज भी रिवाइज करने हैं। ठीक, माइनर टॉपिक्स हैं, उनके फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। तो ओवरऑल आपको फिजिक्स में सभी फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए एंड मेजर टॉपिक्स के आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। मेजर टॉपिक्स इन द सेंस, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया 12th में, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स 11th में, आपको थर्मोडायनेमिक्स, तो कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, इनके आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप आराम से उनके क्वेश्चन टैकल कर लेंगे नीट के। ठीक, और मैंने इस साल मैंने देखा था, मेरा स्कोर 690 आउट ऑफ 720 रहा एंड फिजिक्स में 170 आउट ऑफ 180। मैंने ये देखा पेपर देने के बाद, एनालाइज किया तो ये पता चला कि 100 मार्क्स तो मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे थे, बस आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन का आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, बस उसके बाद आप आराम से वो क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन एरर के वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 100 मार्क्स तो आराम से फिजिक्स में सिक्योर कर सकते हो, आपको उसका टेंशन लेने की बात नहीं है। जानता हूँ कि फिजिक्स बहुत ही फेयरफुल सब्जेक्ट होता है किसी भी मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन आप फिर भी इसको आराम से टैकल कर सकते हो अगर आप इतना मैंने जो कहा है वो कर लो तो। और जहाँ तक आपको मेजर माइनर टॉपिक्स को डिवाइड करने की बात आ रही है, उसके लिए आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं जिसमें फ्रंट पेज में दिया रहता है किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उसके हिसाब से मेजर माइनर टॉपिक्स आप डिसाइड कर लो, उनको हाईलाइट करके रख लो, या फिर आप टीचर से भी पूछ सकते हो कौन से टॉपिक्स आपके मेजर है कौन से माइनर। केमिस्ट्री में भी आप ऐसा कर लो, मेजर माइनर टॉपिक्स में आप डिवाइड कर लो सब्जेक्ट को। अब आपको 3 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में आपको बेसिकली फिजिक्स की तरह डील करना, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए पूरे चैप्टर के, और जो मेजर टॉपिक जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए उनमें आपको फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली कंसेप्ट्स आपको अच्छे से डेवलप करने हैं, सो दैट थोड़े से टफ भी क्वेश्चन आए, मॉडरेटली हार्ड क्वेश्चन, तो उनको आप फिजिक्स की तरफ भी आप इधर डील कर लो। ठीक, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं भागना, क्योंकि मॉडरेट और इजी क्वेश्चन करते हुए आराम से आप नीट क्रैक कर सकते हो लास्ट 3 मंथ्स में। हार्ड क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं भागना, वो हार्ड क्वेश्चन आपको ड्रॉप कर देने, चाहे वो फिजिक्स के हो और केमिस्ट्री को। अब नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग एस्पिरेंट्स इससे भागते हैं क्योंकि इसमें बहुत मगअप करना होता है। बेसिकली आपके ये बायो जैसा है, आपको इसमें मगअप करना ही पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। और ये बहुत ही गेनिंग टॉपिक होता है केमिस्ट्री का, क्योंकि इसमें आप कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होता है और साथ ही साथ इसमें बहुत कम टाइम में आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके साथ साथ जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है,
बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स है, इनको आप अच्छे से याद कर लो और उनको डबल डिजिट में कम से कम आप रिवीजन दे दो इन लास्ट 3 मंथ्स में। आप एक शेड्यूल रेडी करो जिसके हिसाब से ये सब एग्जीक्यूट कर सको प्लान। नेक्स्ट आएगा आपका बायो। बायो में भी आपने मेजर माइनर टॉपिक में डिवाइड कर लिया है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि बायो एज अ बायो मेडिकल एस्पिरेंट आपको अच्छे स्कोर लाने हैं बायो में। 300 शुड बी योर स्कोर जो आप टारगेट कर रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना है, बायो में सभी डायग्राम्स, लेबलिंग्स और साथ ही साथ जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सबको आपको अच्छे से रिवाइज करना है डबल डिजिट में। इन सबको करना क्योंकि इन्हीं सब पे क्वेश्चन आपके फ्रेम हो रहे होते हैं, ठीक। और साथ ही साथ बायो एनसीईआरटी बायोलॉजी की डबल रीडिंग तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक। अब इसके लिए आप थोड़ा बोर्ड से ही इसमें लग सकते हो, बोर्ड्स के समय से ही आप बायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा आप डिवोट टाइम जो बोर्ड्स में दे रहे हो, तो 12th की बायोलॉजी अगर बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो इधर नीट में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो लास्ट 1 मंथ में जो होगा आप 11th की बायोलॉजी पे बार बार रिवाइज करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसके बाद अब आपका आ गया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बारी। आपने पढ़ाई तो कर ली, अब आपको उन सबको री एनफोर्स करना है, आपको चेक करना है कि आपने अच्छे अपने अपने प्रोग्रेस को अगर आपको गॉज करना है, आपको चेक करना है कि आपने कितनी आपके प्रिपरेशन लेवल कितनी है, तो उसके लिए आपको एमसीक्यू ट्राई करने पड़ेगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू ट्राई करें प्रीवियस ईयर पेपर से, उन टॉपिक्स का आपके मॉक पेपर्स हैं, कोचिंग से अगर मटेरियल आपके मॉड्यूल है तो उनसे ट्राई करें। डीएपी का मटेरियल जैसे मेरे पास था मैंने उनसे भी ट्राई कर ली। साइड बुक में आप प्रेफर कर सकते हो, जैसे मैंने डीसी बांडे चूज की थी एमसीक्यू के लिए फिजिक्स के लिए, और भी कई बुक्स थी पर लेकिन मेरे को नहीं लगता कि लास्ट 3 मंथ में आपको उन हाई लेवल बुक्स को कुछ ट्राई करने की जरूरत है, ठीक। कोई इजी बुक्स ट्राई करें जिसमें इजीली आप क्वेश्चंस कर सके। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आप चाहें तो फिर आप ओपी टंडन फॉलो कर सकते हो, मेडिकल एडिशन फिजिकल केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक में किसी की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी फॉलो करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएस चौहान की क्वेश्चंस अच्छे होते हैं एलिमेंट्री लेवल, पर फिर भी अगर वो आपको ज़्यादा लगते हैं तो आप सिर्फ कोचिंग के मॉड्यूल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बेसिस पे भी नीट के आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आराम से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक बेसिकली जो नेम्ड रिएक्शंस है वो और जो मेजर टॉपिक्स है वो सब अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो उन्हीं पे क्वेश्चंस फ्रेम होकर आते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरह के पेपर से भी ये चीज़ बात आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपकी आगे बायोलॉजी में एमसीक्यू आपको अगर करना है तो मैंने बायोलॉजी में एमसीक्यू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर पे मैं डिपेंडेंट रहा, और साथ ही साथ मॉड्यूल के क्वेश्चंस एज वेल एज जो टेस्ट पेपर्स होते थे उन्हीं पे मैं डिपेंडेंट रहा, और कोई साइड बुक मैंने ऐसी फॉलो नहीं की थी। हाँ, और कभी कभार कुछ ना कुछ साइड बुक फॉर फन सेक मैं पढ़ लेता था, पर उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं लास्ट 3 मंथ्स में, आपको बहुत ही टू द पॉइंट करने की जरूरत है, ठीक। अब आपकी बारी आ जाती है, मैं कुछ टिप्स की जो मैं देना चाहूँगा आपको। बेसिकली जब भी आप टेस्ट दे रहे होगे तो आपको अपना एक रॉ स्कोर गॉज करने की ज़रूरत है, ठीक। अब रॉ स्कोर आपका वो स्कोर होता है जो आप बिना इंटेलिजेंट गैस और ब्लाइंड गैसेस के बाद आप स्कोर कर रहे होते हो, ठीक। अगर आपका रॉ स्कोर बढ़ रहा है आप एनालिसिस किए पेपर देने के बाद, अगर आपका रॉ स्कोर बढ़ रहा है तो मतलब आपकी जो गाइडलाइन है सही डायरेक्शन में है और आपका प्रोग्रेस राइट डायरेक्शन में, आपका मार्क्स अल्टीमेटली अच्छा आएगा। क्योंकि उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपका इंटेलिजेंट गेसेस वर्क करते हैं आपके, और आपके ब्लाइंड गेसेस भी अगर वर्क कर जाते हैं तो आपका अल्टीमेटली स्कोर रॉ स्कोर से तो ज़्यादा ही आएगा, तो आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। इसके बाद मैं कहूँगा आप क्योंकि पेपर 3 आवर्स का देने वाले हो तो आप 3 आवर्स के सेट में ही पढ़ाई करो। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास क्योंकि 3 मंथ्स का सिर्फ टाइम है, ठीक, तो आप सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करके अचीव कर नहीं कर पाओगे, आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी इधर करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क के थ्रू अगर 4 आवर का कोर्स 3 आवर में कंप्लीट कर रहे हो, 4 आवर का टॉपिक 3 आवर में कंप्लीट कर रहे हो, तो जो रिमेनिंग 1 आवर है उसमें अभी आप स्मार्ट वर्क करो और कोई टॉपिक कंप्लीट कर लो, क्योंकि आप अभी आपके लिए टाइम बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आप अभी से मतलब मेन प्रिपरेशन अपनी शुरू किया हो, आप पहले कैजुअल अप्रोच रख रहे थे, क्योंकि लास्ट 3 मंथ के प्रिपरेशन में आपको जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, टेस्ट सीरीज मतलब आप टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन किए होगे, उसके वजह से आपको ये हेल्प हो जाती है कि आप टाइम बाउंड होते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप चाहो तो कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अब लास्ट 3 मंथ में जो भी टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हो उससे आपका फायदा ये होगा कि आप टाइम बाउंड आपको क्वेश्चन करने की आदत लग जाएगी, ठीक, इससे आपका मेन एग्जामिनेशन में फायदा ही होता है। तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, नहीं तो आप चाहो तो इंफोरियंस की भी टेस्ट सीरीज जो नई लॉन्च हुई उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम जो एम्स होने इस साल एंट्री लिए हैं और जो प्रीवियस एम्स होने हैं जिनको फील हुआ कि ये पॉइंट्स होने चाहिए टेस्ट सीरीज में, जो हम लोग को अपने कोचिंग में डिफेक्ट लगता था टेस्ट सीरीज में, वो सब हम लोग फुलफिल करने की कोशिश की है। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा एस्पिरेंट्स कि आप ये बिलीव करो कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट हार्डवर्क।
अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करते हो लास्ट 3 मंथ में, आप जरूर कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक कर लोगे. एंड ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड एंड कीप हसलिंग.